बी टीचेबल सीरीज का है ना, हम शिक्षणीय बने उस श्रृंखला का हम तीसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले भाग में देखा, यू नो आई एम आई टीचेबल, राइट? क्या हम टीचेबल हैं, उसके बारे में हमने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे। और हम अपने आप से जब सवाल करते हैं, हम सवाल परमेश्वर के सामने करते हैं, और हमारा यही यही विश्वास है कि इन सवालों के द्वारा हमारा मन नया हो और हम जैसे थे हम वैसे ना रहे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उसमें बढ़ते जाए। तो हमने पहले एम आई टीचेबल, उस पर हमने एक असेसमेंट किया। दूसरा, हमने कुछ चाबियों को देखा, की टू टीचेबिलिटी, जिस तरह चाबी एक गुच्छे में रहता है, होली स्पिरिट यू नो इज़ दैट यू नो दैट दैट रिंग वेयर ऑल दोज कीज आर अवेलेबल। और जब हम पवित्र आत्मा से मांगे, हम पवित्र आत्मा में बने रहे। पवित्र आत्मा में बने रहने का मतलब यह है कि हमारी जो शारीरिक लालसाएं हैं, हम उसमें हम ग्रेटिफाई ना हो, वी शुड नॉट बी ग्रेटिफाइड बाय द फ्लैश, बट वी शुड ऑलवेज डिजायर टू वॉक बाय द स्पिरिट। एंड डिजायर टू वॉक बाय द स्पिरिट इज नॉट रिलीजियस, है ना? बींग रिलीजियस, हम धार्मिक चीज़ों को करते रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मिक हैं। आत्मिक का मतलब हम उन ट्रेडिशन से परे, है ना? कई बार हम ह्यूमन ट्रेडिशंस में इतने बन जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ये सब करके हम परमेश्वर की धार्मिकता को अटेन कर सकते हैं। नहीं, हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की धार्मिकता अटेन करते हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए वो उदाहरण ठहरा है। और यदि आपसे कोई पूछे कि आप किसके पीछे चल रहे हैं, आप कहेंगे यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और यीशु मसीह के जब पीछे चल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम उसके यीशु मसीह ने जो कुछ भी उसके शारीरिक जीवन में किया, वो हमारे लिए एक उदाहरण ठहरा है। और आज हम कोई भी परीक्षा में जब पड़े, व्हेन वी फॉल इनटू एनी व्हेन वी कम अक्रॉस एनी टेम्पटेशन, वी शुड आस्क व्हाट वुड जीसस डू, राइट? समटाइम्स यू नो व्हेन यू लुक इनटू द लाइफ ऑफ जीसस, जब यीशु मसीह के जीवनों को देखे, यीशु मसीह का रेस्पॉन्स कई बार धार्मिक नेताओं का रेस्पॉन्स नहीं था। कई बार यीशु मसीह ने उन चीज़ों को किया जिसके कारण धार्मिक नेता इतने गुस्से हो गए, उन्हें लगा कि ये ही इज़ फ्रॉम द डेविल। सो समटाइम्स वी हैव टू यू नो कम टू दैट प्लेस सेइंग यू नो द वे वी रेस्पॉन्ड शुड नॉट बी ऑलवेज अलाइन टू द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। सो समटाइम्स आवर रेस्पॉन्स विल लुक कंप्लीटली आउटसाइड द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बट यू नो वी शुड ऑलवेज जज इट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। प्रेज गॉड, वचन के द्वारा ही हम हर चीज़ों का तुलना करें। तो आज हम ये तीसरे भाग में जाएंगे, और मुझे आपको सबसे पहले यही बताना है कि यू नो इफ यू थिंक दैट देयर वॉन्ट बी एनी हर्डल्स, लेट मी टेल यू, नो इट वॉन्ट हैपन। प्रेज गॉड, आत्मिक जीवन में हर्डल्स आना लाजमी है, इट जरूरी, आई मीन जरूरी इन द सेंस, आत्मिक जीवन यदि आप जी रहे हैं, देन बी रेडी टू फेस हर्डल्स। प्रेज गॉड, एंड इफ देर इज नो हर्डल इन योर वे, देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन वेदर आई एम इन द राइट ट्रैक। प्रेज गॉड, बिकॉज इफ यू आर इन द राइट स्पिरिचुअल ट्रैक, यदि आप उस स्पिरिचुअल ट्रैक में दौड़ रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट हर्डल्स, बट व्हेन यू सी हर्डल्स, यदि आप अपने जीवन में कुछ रुकावटों को देख रहे हैं या फिर हर्डल्स को देख रहे हैं जो आपको मसीह में बढ़ने के लिए रोक रहा है, या फिर आत्मिक जीवन में आपके लिए वो चुनौती बन रहा है, तो आपको एक आपके लिए एक कोच या एक एक ट्रेनर है, और वो है यीशु मसीह, होली स्पिरिट। एंड नाउ दीज आर ऑल अ कोच, अ ट्रेनर हु विल ट्रेन अस हाउ वी कैन क्लियर दिस हर्डल्स। प्रेज गॉड, और आत्मिक जीवन की एक सक्सेस यही है कि जब हम अच्छी तैयारी में रहते हैं, एंड व्हेन वी पुट ऑन ऑल द फुल आर्मर ऑफ गॉड, है ना? हम जो एफिसियों की पत्री में देखते हैं ना, ऑल दैट फुल आर्मर ऑफ गॉड यदि हम पहन के हम आगे बढ़ रहे हैं, देन यू नो वी आर इन अ गुड प्लेस वेर वी कैन यू नो क्लियर दोज हर्डल्स, इन चुनौतियों के ऊपर हम जीत पाएंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ से ही शुरू करना चाहता हूँ, ताकि हम समझ पाए कि हम क्या हम जब आत्मिक दौड़ में हैं तो क्या है। तो आई वॉन्टेड टू पहले मैं इस एथलेटिक्स जो ओलंपिक्स में हमने देखा होगा या फिर कई स्पर्धाओं में देखा होगा, जो एथलेटिक्स की स्पर्धा होती है, तो वहाँ पर एक एक इवेंट होता है, उसे हर्डल्स इवेंट कहा जाता है, राइट? हर्डल्स इवेंट का मतलब यह है कि जब कोई भी एक रेस में दौड़ने के लिए तैयार होता है, तो वो उस ट्रैक में आता है, और उस ट्रैक में
हर रेसर के लिए हर ट्रैक में काफ़ी हर्डल्स रखे रहते हैं, और यदि आप ओलंपिक्स में देखें जो मेन हर्डल्स इवेंट है वो तीन तरीके के होते हैं। एक मेंस के लिए एक हर्डल होता है, मेन का हर्डल होता है वो 110 मीटर हर्डल्स होता है, विमेन हर्डल्स 100 मीटर होता है, और 400 मीटर हर्डल्स बोथ मैन एंड वुमेन के लिए होता है। ये तीन तरीके के जो मेन इवेंट है वो हम देखते हैं इन स्पर्धाओं में। अभी जो ये हर्डल का हाइट रहता है तो ये एज ग्रुप के अनुसार वो हर्डल का हाइट रहता है। प्रेस गॉड, यदि आप कम उम्र के हैं तो हर्डल्स का हाइट कम रहेगा, यदि आप उम्र में ज़्यादा हैं, आप अडल्ट हैं, तो उसका हाइट ज़्यादा रहेगा। तो मेनली देखा जाता है कि जो अडल्ट्स के इवेंट होते हैं वहाँ पे मेन के हर्डल्स का हाइट सेट किया रहता है 3.5 फुट, राइट, 3.5 फुट हाइट रहता है, और वुमेन का जो हर्डल का हाइट रहता है 2.75। तो यहाँ मेन और वुमेन का अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन नीचे है या मेन ऊपर है, इसका मतलब ये है कि दीज आर द रूल्स दैट आर सेट। सो आई एम नॉट गोइंग टू यू नो ट्राई टू डिफ्रेंशिएट, बट वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। प्रेज गॉड, जैसे हम मेच्योर होते हैं हर्डल्स बढ़ते हैं, राइट। तो ऐसे ही यदि हम मसीही जीवन में भी देखें, वेन वी आर मेच्योरिंग इन क्राइस्ट, राइट, वेन वी आर मेच्योरिंग इन क्राइस्ट द हर्डल्स इन योर लाइफ विल बी इंक्रीज्ड इन हाइट। प्रेज गॉड, एंड दैट इज हाउ इट वर्क, आई मीन दैट इज हाउ इट हैपन्स। सो वेन यू थिंक दैट ओके इफ आई एम ग्रोइंग इन क्राइस्ट एंड आई एम ग्रोइंग इन रिलेशनशिप माई हर्डल्स आर गोइंग टू बी लेस, और इट इज गोइंग टू बी यू नो इट इज लेस ऑफ हाइट, देन यू नो डोंट बी मिस्टेकन। प्रेज गॉड, बिकॉज एज यू ग्रो मोर क्लोजर टू क्राइस्ट और एज यू ग्रो मोर मेच्योर इन क्राइस्ट, यू विल मूव फ्रॉम ईटिंग आई मीन ड्रिंकिंग जस्ट मिल्क लाइक थिंग्स टू सॉलिड मीट, बट द हर्डल्स और जो चुनौती है, जो रुकावटें हैं, वो आपके जीवन में बढ़ेगी। प्रेज गॉड, सो इट इज नॉट ए गुड न्यूज दैट आई एम शेयरिंग, बट देन द गुड न्यूज इज, प्रेज गॉड, वेन यू आर ग्रोइंग मेच्योर इन क्राइस्ट दैट मीन्स यू आर एक्चुअली रिसीविंग क्राइस्ट more in your life, and you know you are actually being transformed or being conformed to the image of his son Jesus Christ. So that is a good thing. Praise God, and that is the good news. When Jesus is with us and when we stand on the truth of the gospel, जब हम सुसमाचार की सच्चाई में खड़े रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, विश्वास जीवन में हम हमेशा यही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमें हर चुनौती में मदद करेगा, then That gospel gives you the power to clear the hurdles. Praise God. Amen. और ये जो एथलेटिक्स में ये जो एथलेटिक इवेंट में जो काम करते हैं ये जो फाइनल इवेंट में ही ये हर्डल्स को फेस नहीं करते। प्रेज गॉड, इट इज नॉट ओनली इन द फाइनल इवेंट दैट दे आर फेसिंग द हर्डल। प्रेज गॉड, दे आर फेसिंग द हर्डल ऑल्सो इन द ट्रेनिंग। प्रेज गॉड, सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रेनिंग जब करते हैं तो वहां पर वो हाइट कम नहीं करते। प्रेज गॉड, और वो हाइट सेम रखते हैं, और कई बार कुछ कुछ एथलेटिक आई मीन एथलीट्स क्या करते हैं, हाइट बढ़ा के रखते हैं। सो व्हेन यू ट्रेन मोर एंड यू ट्रेन आई मीन योर ट्रेनिंग में आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं रियल लाइफ में, यू नो इट्स बिकम लेस एफर्ट फॉर यू। प्रेज गॉड, एंड दैट इज अ रीजन व्हेन वी कम टू चर्च, राइट, सो द वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर ट्रेनिंग, इट्स फॉर टीचिंग, इट्स फॉर रेब्यूकिंग, right, in righteousness. So when we are hearing the word of God, sometimes the word of God will come and strike us, you know, and it will be challenging for us, and we will think, oh, how hard it is. So, but looking at the hardness of the word or looking at all those things, does it mean that I stop and I just leave and I don't attend the fellowships? No, that means you have to put yourself on the spot. आपको उसको आपको अपने आप को इस मुश्किल ट्रेनिंग में रखना होगा, आपको अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपने आप को मेजर करना होगा, एंड समटाइम्स इट मे बी चैलेंजिंग। आपको लगेगा अरे मैं कैसे करूं, हम कई बार जब वचन सुनते हैं हम दूसरों को हम जज करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस बी टीचेबल सीरीज, एंड व्हेन यू हैव टू ग्रो मोर टीचेबल, वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नो यू हैव टू नॉट जज अदर्स, बट यू हैव टू keep that word in your life as the measuring scale, and you compare yourself not with others but with your yesterday's mind. Amen. And that is the reason I tell you it is all about renewal of the mind.
सो टुडे व्हेन आई एम इन अक्टूबर 18 एंड व्हेन आई हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड व्हेन आई एंड माय डे आमेन सो द मेजर ऑफ माय ग्रोथ इन क्राइस्ट इज हाउ इज माय माइंड टुडे मेरा मन आज कैसा है कंपेयर टू द माइंड ऑफ अक्टूबर 17 प्रेज गॉड एंड वेदर आई गेव माय स्पिरिचुअल साइड सम फूड क्या मैंने मेरे आत्मिक उस बीइंग को और आत्मिक 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 जीवन में मैंने क्या कुछ आहार आज खाया है समटाइम्स वी डोंट आमेन लेट मी बी फ्रैंक एंड देन आवर माइंड डजंट गेट रिन्यूड और वी डोंट नो ट्राई टू से गॉड चेंज माय हार्ट आई मीन वी जस्ट रिमेन स्टैग्नेंट राइट वी बिकम कंप्लेसेंट समटाइम्स क्या होता है कि जब हम इस प्रोसेस में रहते हैं कई बार एक मैकेनिकल हो जाता है So it is always good to be challenged and you know and even in technology we can see sometimes when we are using this technology we sometimes become so complacent that everything will happen but then last week we heard a wonderful message from pastor right we have to prepare praise God three P's purity preparation and prayer amen and sometimes we miss to prepare right And that is something that we need to understand that we have to be prepared. We have to be prepared because the second coming of Jesus is at hand. Masih ka dobara agaman kafi nikat hai. Kab aa raha hai mujhe nahi pata. I'm not going to say that this is the date. But you know, looking at all the things that are happening, it is at hand. And when it is going to come, and you are the bride. Aap wo dulhan hai. Dulha aane wala hai. Amen. क्या आपके उस दीपक में तेल है आर यू प्रिपेयर्ड आमेन एंड आर यू प्रिपेयर्ड टू यू नो मेजर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वर्ड और विल यू बी कंप्लीटली नेकेड व्हेन यू स्टैंड बिफोर जीसस एंड देन यू नो यू विल बी बिफोर दैट जजमेंट सीट एंड से ओ आई मिस दिस सो वी शुड नॉट बी सो दिस इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड ओके सो समटाइम्स ट्रेनिंग बिकम्स हार्ड मुश्किल हो जाएगा सो मुझे माफ कीजिए लेकिन दिस इज द वर्ड Praise God. So in every situation and even in your personal devotion, right? When you are reading Bible, don't try to think, okay, oh, this word may be for that brother or sister. Next time I will meet, I will, you know, yeah, that counsel is always good. But first thing should happen from yourself. Amen. Praise God. Amen. You should know the word. Amen. And you should be in the presence of God. And that is how you train yourself to overcome this hurdle. So, जैसे मैंने आपको बताया कि एज ग्रुप के अनुसार हर्डल बढ़ते रहता है तो आज कुछ बच्चे जो मसीह में हैं आपके जीवन में जो हर्डल्स आ रहे होंगे वो आपके उस मैच्योरिटी के अनुसार ही रहेंगे परमेश्वर या फिर जो भी हर्डल्स आते हैं इट इज अलाउड बाय गॉड राइट सो गॉड विल नॉट अलाउ समथिंग दैट यू कैनॉट इवन फेस आमेन सो बेस्ड ऑन योर मैच्योरिटी यू विल फेस स्मॉल हर्डल्स बट देन फॉर योर एज और फॉर योर मैच्योरिटी इन क्राइस्ट यू नीड टू ओवरकम दैट हर्डल क्योंकि जब आप उस हर्डल के ऊपर से छलांग लगाते हैं यू गेट मोर प्रिपेयर्ड टू फेस द नेक्स्ट हर्डल आमेन प्रेज गॉड आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी देख ले और ये चीज स्पिरिचुअल में भी रहता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी देख ले राइट यदि आप एक बकेट अभी आपको मैं अचानक तीन दो बकेट बहुत भरा हुआ पानी आपके हाथ में थमा दूं शुरू में आपको मुश्किल होगा लेकिन यदि आप दर रोज इसको कर रहे हैं Second day it will much become easier. I still remember my, when we moved to Kerala, been back in 2000. You know, we never saw a well in our lives. हमारा मतलब हम यही सोचते थे कि पानी सिर्फ नल से आता है, right? But when we reached Kerala, it was like a village, and we were, put into a new situation where we had to draw the water out of well. And I still remember, I was 17 years. Initially, it was like, oh, I have to put in and it is so difficult. And initial days, it was a bit difficult. And my father was a real, I mean, I really admire him for all his physical activity. Still, he is so, 70 years old, but still he can do much more physical activity than me. And I admire. And I think we all should give more importance to our physique as well sometimes. And when I was drawing out the water from the well, initially, it was difficult. But when I used to do everything, it became just like बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल कई बार मैं एक हाथ से मैं उसे खींचता था सो दैट इज हाउ इट हैपन्स इन स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल राइट इनिशियली इट बिकम्स ओ इट्स सो खट्टा है वो कितना मुश्किल है बट देन वेन यू अप्लाई डेली लाइफ राइट देन इट बिकम्स योर पार्ट आई मीन एंड इवन इन यू नो फिजिकल यू नो वेन वी हियर ऑफ बिग डिजीजेस लाइक नाउ वी हियर कोरोना और यू नो वी हियर कैंसर
एंड देन वी गेट अ रिक्वेस्ट टू प्रे, देन वी विल थिंक ओ लेट्स प्रे बिकॉज इट्स कैंसर कोरोना, बट लेट मी टेल यू, डू यू हैव द सेम विगर टू प्रे फॉर अ सिंपल हेडेक और अ सिंपल कोल्ड, राइट, और अ सिंपल, यू नो, आई वुड से एनीथिंग, आई डोंट नो वॉट इज सिंपल, आई डोंट वॉन्ट टू जज एनी वन, बट देन सिंपल एनीथिंग, राइट. Your prayer should not, you know, deviate, or it should not grow, or, you know, it should be, yes, prayer. Prayer is not like a performance. Prayer is coming to your Creator God, saying, God, I know you are in control, and I'm not here to just give you a set of prayer request, or I'm not here to just tell you, God, bless me for this area, this. I'm here to have a relationship with God. And I want to walk with you, God. And I know this, God, that when I am walking with you, जब मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, तेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और मेरा जो काम है कि मैं अपने मन को नया करूँ, और अगले hurdles में जो छलांग लगाना है वो मुझे लगाना है, और उस छलांग लगाने के लिए, इस आत्मिक जीवन में छलांग लगाने के लिए मुझे ट्रेन होना है, और वो ट्रेनिंग मुझे कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से. And that is be teachable. Amen. Praise God. Hallelujah. So that is the height part of it, okay? So regardless of the hurdle height, तो तीसरा भाग जो मैं लिखा है कि hurdle heights change होते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो change नहीं होता वो है number of hurdles in this event, right? Number of hurdles in the event is always 10. Praise God. Whether it is 400 meter, whether it is 100 meter, whether it is 110 meter. The number of hurdles are same. Praise God. So before I go further, I just wanted to tell this. Okay. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. आपके जीवन में ऐसा कोई भी temptation या struggle नहीं आएगा जो mankind के mankind से अलग है. It is always common for everyone, all the temptations, right? जैसे हमने hurdles में देखा 110 meter, 100 meter, 400 meter, number of hurdles कितना रहते हैं? Same रहते हैं. The height set क्या रहते हैं? Same रहते हैं. उसी प्रकार, right? The word of God says that when you face a temptation, your temptation is not uncommon. It is common to mankind. You know, if you are born into mankind, the temptation that one faces in India is same as the temptation that one faces maybe in US or maybe in Uganda or wherever in the world. Praise God. It does not change based on race, color, situation, culture. No. Praise God. You may think, okay, if I am born in the reason I am facing all this temptation is because I am born in this family. Yes, sometimes environment will put you in that situation, but the nature of the temptation is same. Amen. There are three natures that I will say, right? The lust of the eyes, the lust of flesh, and the pride of life. आप कोई भी कल्चर में क्यों ना हो, आप शायद एक बहुत पवित्र भवन में जहां पे सब लोग पवित्रता में इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां भी आपको ये टेम्पटेशन फेस करने को मिलेगा. लस्ट ऑफ द आईज विल बी देयर, लस्ट ऑफ द फ्लैश विल बी देयर, राइट. प्राइड ऑफ लाइफ, ओनली द डिलीवरी ऑफ द टेम्पटेशन चेंजेस, द वेहीकल ऑफ द टेम्पटेशन चेंजेस, बट द टेम्पटेशन इन इट्स नेचर इज कॉमन टू मैनकाइंड. Amen. So we have to have that understanding. We have, don't give special status to the struggles of your life. Amen. Give special status to Jesus. Amen. Give special status to the Savior. And give special status to His sacrifice. Remember Jesus' cross. 2020 years back, Son of God, Jesus came to this flesh. He went through this temptation. He won over this temptation. He was sinless and the one who was without sin. Amen. He carried all our sins. He became sin for us. All our sicknesses upon Him, and He died for us. And He not only died, He raised back from the dead. And He's alive. And today we are His disciples. Give special status to your Savior. That is the first thing that you understand, right? Praise God. So when the athletes run the race, they don't give special status to hurdles. Let me tell you, never give. Sometimes when they run, जब वो छलांग लगाते हैं, कई बार उनका जो पैर है उस हर्डल्स में टकराता है, वो गिरते भी हैं, राइट.
वो गिरने के बाद वो उठ के फिर वापस वो हर्डल्स को रखने नहीं जाते, वो वापस पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है, उनका भी मोटिव क्या है, ओके आई ट्राइड, आई फेल, मैं गिर गया, बट नाउ आई विल राइज अप, राइट, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट हर्डल, आमेन, प्रेज गॉड। सो दैट शुड बी आवर 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 नेचर और आवर द वे ऑफ आवर लिविंग। समटाइम्स वी विल फॉल, यस वी ऑल विल बी फॉल, नो वन इज राइटियस, कोई भी धर्मी नहीं है, एवरी वन हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, वॉट कैन सेव अस ओनली द ग्रेस ऑफ जीसस, एंड आई ट्रेन, आई विल ट्रेन माई सेल्फ, आमेन, विद द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द ट्रेनिंग ग्राउंड, ये हमारे लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है, आमेन। सो ये नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एक्सेप्ट वॉट इज कॉमन टू मैनकाइंड। सेकेंड थिंग, ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू नो वेन यू आर ओवरकमिंग हर्डल्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है, राइट, वी मे नॉट बी फेथफुल, आई ऑलवेज से आई नो इन मेनी मेनी एरियाज आई एम नॉट फेथफुल, बट गॉड यू आर फेथफुल, आमेन, एंड बिकॉज गॉड इज फेथफुल आई एम एबल टू यू नो ओवरकम द नेक्स्ट हर्डल, आमेन, प्रेज गॉड, एंड दैट शुड बी आवर थिंग, राइट, वेन गॉड इज ट्रेनिंग मी वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड इज फेथफुल एंड गॉड इज विथ मी एंड गॉड इज फेथफुल टू डू हिस और फुलफिल हिस पर्पज थ्रू मी। परमेश्वर अपने उद्देश्य को मेरे द्वारा पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, और वहां आगे भी लिखा है ही विल नॉट लेट यू बी टेम्प्टेड बियॉन्ड वॉट यू कैन बियर। ओके, सो समटाइम्स वी फील ओके गॉड विल नॉट सेंड टेम्प्ट, आई मीन गॉड इज द गॉड हु सेंड्स टेम्प्टेशन, नो गॉड डज नॉट सेंड टेम्प्टेशन, बट ही इज विथ यू, ही इज फेथफुल। सो वेन यू गो, आई मीन जस्ट इमेजिन जीसस सन ऑफ गॉड, राइट, फास्टिंग प्रेयर 40 डेज, ओ स्पिरिचुअल मैन, आई एम फुल ऑफ स्पिरिट, एंजल्स कमिंग एंड मिनिस्टरिंग टू हिम, बट स्टिल ही फेस टेम्पटेशन 3 times, प्रेज गॉड, वॉज इट गॉड हु ब्रॉट टेम्पटेशन, नो इट वॉज डेविल, ही केम विद द टेम्पटेशन, बट देन हाउ जीसस रेस्पॉन्डेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। सो वेन वी सी दिस वर्ड ही विल नॉट लेट यू बी टेम्पटेड बियॉन्ड वॉट यू कैन बियर, इट इज डजंट हैपन ऑटोमेटिकली, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ इन द वर्ड, जीसस न्यू द वर्ड, ही सेड इट इज रिटन, ये लिखा है, यीशु को पता था, एंड दैट इज द रीजन ही वॉज एबल टू यू नो विन ओवर दोज टेम्पटेशंस, प्रेज गॉड। आवर फाइनली यहाँ लिखा है, बट वेन यू आर टेम्प्टेड ही विल ऑल्सो प्रोवाइड अ वे आउट सो दैट यू कैन एंड्योर इट, प्रेज गॉड। सो वेर इज दिस वे, आप पूछेंगे कहाँ है ये मार्ग, वेन आई एम टेम्प्टेड वेर इज दिस वे, इज दिस वे इन सम वर्ल्डली थिंग, नो द वे इज इन द वर्ड, परमेश्वर के वचन में वो मार्ग दिया गया है। और यीशु मसीह जब 3 बार ही वॉज टेम्प्टेड, यू नो ही सेट 3 different verses और 3 different scripture portions, आमेन, और वो उसके लिए मार्ग बना, राइट, हम यूहन्ना 1:1 जानते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, एंड वी ऑल नो दैट वर्ड वॉज जीसस, प्रेज गॉड, आमेन, वी ऑल नो दैट, एंड वेन वी ऑल नो जॉन चैप्टर 14:6, आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, इफ जीसस इज द वर्ड एंड देन जीसस सेज इन जॉन 14:6, आई एम द वे, देन वॉट इज द वे, गिव मी दैट आंसर, वॉट इज द वे, वर्ड इज द वे। सो वेन यू आर टेम्प्टेड and you are looking how I can overcome this struggle or how I can win over this temptation, God will provide a way out so that you can endure it. Endure it ka matlab kya pata hai? God is not going to pick you out of that struggle. You have to endure it. And this is Christian life, my dear brothers and sisters. Mere pyare bhaiyo aur behno, endure karna zaruri hai. It's not like God is going to say, this and that struggle is going to go away. He will provide a way. And what is the way? The word of God is the way. Who will walk in the word of God? Will God or Jesus walk again in the word of God? No, you have to walk in the word of God. And then you can endure it. Endure is not going around it, going through it. Amen. Hallelujah. That is endurance. Right? Just imagine that is the reason I started with that athlete thing. जस्ट इमेजिन ट्रैक में हर्डल है, डज ही गो अराउंड द ट्रैक और ही गोज इन द ट्रैक, ही गोज इन द ट्रैक, द मोमेंट ही स्टेप्स आउट ऑफ द ट्रैक ही इज डिस्क्वालिफाइड, आई मीन समटाइम्स वी ट्राई टू फाइंड अ वे अराउंड, हालेलुया, बट क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, मसीह जीवन इज टू गो थ्रू, हालेलुया, एंड्योर इट, एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक
गोइंग अंडर द हर्डल, क्या आपने देखा एथलीट्स को जाते, कई कोई कोई कॉमेडी वीडियोस मैंने देखे हैं जब कोई दौड़ता है और वो हर्डल्स के ऊपर नीचे अंदर से नीचे, दैट इज नॉट व्हाट आई एम पेइंग, प्रेज गॉड। इट इज अबाउट जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, क्या आप छलांग लगाए, एक हर्डल, दूसरा हर्डल, तीसरा हर्डल, कितने हर्डल यहाँ, 10 हर्डल। आवर लाइफ इज अ ट्रैक, आमेन। देर आर गोइंग टू बी हर्डल्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेज गॉड, अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी इन क्राइस्ट, हालेलुया। देर विल बी हर्डल्स, इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेकिंग अ शॉर्टकट एंड गो अराउंड, समटाइम्स दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, बट देन लेटर यू आर नॉट गोइंग प्रिपेयर टू जंप ओवर द नेक्स्ट हर्डल, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रेज गॉड। ये आत्मिक जीवन है, वी ऑल आर पिलग्रिम्स हियर, वी ऑल आर पिलग्रिम्स। एंड अनदर थिंग इज, डोंट कंपेयर, आमेन। डोंट, वेन यू आर रनिंग द रेस, डोंट जस्ट टर्न टू सी वेदर द पर्सन हु इज रनिंग अराउंड, आई मीन इन द नेक्स्ट ट्रैक, जो मेरे बगल में दौड़ रहा है, क्या वो हर्डल को पार कर रहा है। द मोमेंट वी डू इट, वी लूज अवर मोमेंटम, हम अपना मोमेंटम को लूज करते हैं, एंड दैट मोमेंटम लॉस फिजिकल एथलीट को नेक्स्ट हर्डल क्रॉस करने के लिए बहुत रुकावट डालता है। हमारा एक मोमेंटम होना जरूरी है। यू आर रनिंग द स्पिरिचुअल रेस, आमेन, एंड दिस इज वेरी प्रेशियस। व्हेन यू आर रनिंग, डोंट लुक हियर एंड देयर, यस देयर मे बी सम ब्रदर्स हु मे फॉल, आमेन, यू कैन स्टॉप एंड यू कैन हेल्प देम, प्रेज गॉड। बट देन व्हेन यू स्टार्ट, यू अगेन, you again run, praise God, but then don't stop to compare, stop to help, praise God, stop to, you know, just, you know, be that help to someone who is of less faith, amen, praise God, and don't be just selfish enough to that, yes, there has to be a focus, but then God always says that you have to help your brothers, right? And when we run in unity, that is where we see as a body of Christ, we will grow. Amen. Hallelujah. Sometimes I feel, you know, we have right hand, left hand. You know, sometimes our one of our hands will have more power. So does that mean that I don't even give more importance to my left hand? No. Sometimes what a left hand cannot do, the right hand will step in. Praise God. But then my left hand is also growing more stronger. Amen. So it's all about, you know, as a body of Christ, we grow together. And then finally there is a synchronization. And then every part is used. And then there is a beautiful symphony. Or jo result humko milta hai. I mean, I will say that is pleasing to God. And it is impossible to please God without faith. And this is the faith journey. Faith journey has to come from that place. So let me go forward. Amen. I just want you to again see this picture. Hallelujah. जो आपको नीचे वो पिक्चर दिख रहा है, दैट इज अ फ्यू टेक्निक, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एथलेटिक नॉलेज, बट देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक, दिस इज द एथलीट एंड ही इज हियर ओवरकमिंग दिस हर्डल और क्लियरिंग दिस हर्डल। एंड एक चीज जो ध्यान देना है कि एथलीट डजंट रन विथ हिज आईज क्लोज्ड, उसके आंखों को बंद करके नहीं दौड़ता। आप कोई भी ओलंपिक रेस को आप देख ले, प्रेज गॉड, द आईज ऑफ द एथलीट विल बी वाइड ओपन एंड देन देयर विल बी लाइक कंप्लीट अटेंशन फोकस, आमेन। सो दिस एथलीट रन्स विद कंप्लीट अटेंशन फोकस एंड दिस इज अ फिजिकल टेक्निक दैट दे यूज। सो व्हेन दे अप्रोच द हर्डल, जब वो उस ऑब्स्टिकल या हर्डल के पास में आते हैं, राइट, वो उसके ऊपर छलांग लगाते हैं 2 मीटर आगे से, प्रेज गॉड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हर्डल आया वहां पे वो छलांग लगा रहे। समटाइम्स आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक दैट, द मोमेंट देयर इज अ ऑब्स्टेकल, दैट इज द मोमेंट व्हेन वी से ओ लेट मी कम टू प्रेयर। नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, यू नो आवर लाइफ, द क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट, यू नो, यू विल फेस हर्डल्स, बट देन व्हेन यू आर फेसिंग हर्डल्स, यू डोंट जंप right there, you are really ready to jump ahead, praise God। आपको यदि शायद आपके जीवन में अगले साल एक हर्डल आने वाला है, आपको वो छलांग अभी से लगाना शुरू करना होगा। ये है आत्मिक जीवन, praise God। आप कोई देख के बोलेगा, अरे ये क्यों लगा रहे इतना छलांग, praise God। But then when you do that, you are in a better position to be in a safe place when you are actually clearing the hurdle, amen। तो सारे बच्चों को मैं अभी बोल रहा हूँ, राइट, द रीजन यू नो यू हैव टू लर्न योर बाइबल वर्सेस एंड यू हैव टू यू नो स्टार्ट ग्रोइंग मोर क्लोजर टू जीसस इज व्हेन यू ग्रो इन द यूथ टाइम देर विल बी मोर चैलेंजेस मोर हर्डल्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम नाउ। अभी से आप यदि छलांग लगाना शुरू करें तो आपके जीवन में जो आगे आने वाला है उसके ऊपर से आप
अच्छे तरीके से पार हो सकते हैं, प्रेज गॉड। और यहां पे और एक चीज देखना है कि देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी दैट इज गोइंग एक फिजिकल एथलीट के जीवन में जब वो छलांग लगाता है। पहले पहले पिक्चर में देखते हैं उसका लेफ्ट पैर को वो पहले मोड़ता है, फिर जैसे आगे आ रहा है लेफ्ट पैर को थोड़ा और मोड़ता है, और फिर जब वो हर्डल के ऊपर आता है उसका लेफ्ट पैर एकदम स्ट्रेट है, और फिर जब चौथे में आ रहा है उसका लेफ्ट पैर अभी नीचे की ओर है, फिर पांचवें में हम देख रहे हैं लेफ्ट पैर वो ग्राउंड करता है, उसका राइट पैर जो है वो मुड़ा हुआ है, और चौथे में हम देखते हैं कि वो राइट नी मुड़ा हुआ है, और द वे ही इज एक्चुअली क्रॉसिंग द हर्डल इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। प्रेज गॉड। मसीही जीवन में, प्रेज गॉड, जब हम इन सारे रुकावटों से होके गुजरते हैं, वी हैव टू फ्लेक्स अवर स्पिरिचुअल मसल्स। आमेन। हमारे आत्मिक मसल्स को हमें अलग अलग जगह पे फ्लेक्स करना जरूरी है। आमेन। और ये हम फ्लेक्स तभी कर पाएंगे जब हम ट्रेनिंग में, जिस तरह फिजिकल एथलीट ट्रेनिंग में अपने मसल्स को स्ट्रेच करता है, जब हम वचन को सुनते हैं, प्रेज गॉड, हम उन वचन को लेकर हम ट्रेन हो जाएं, ताकि जब रियल लाइफ में, जब हमारे जीवन में असली में वो रुकावट आएंगे, तो वो हमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि हम आराम से एक प्रोसेस के, इस प्रोसेस अपना के हम उसके ऊपर से छलांग लगा सकते हैं। प्रेज गॉड। अब इसका मतलब क्या है, राइट? स्टार्ट विथ योर होम, घर में शुरू करें। आमेन। एक चीज जो मुझे पिछले 3-4 साल से मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, प्रेज गॉड, when you are about to preach or when you preach anything, the first thing you practice or when you learn anything from the word, the first thing you practice is not in the church but at your home, because the maximum time you will spend is at your home. Okay, some people will say okay abhi to I am very sure that everyone is spending maximum time at home, lekin pehle hota tha ki bolta tha main zyada office mein time bitata hu, right? Lekin abhi kya hai, ghar mein bitate ho, right? So wherever you are spending most of your time, apply that word, right? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन किचन में काम नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन वर्क प्लेस में काम नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन कॉन्फ्रेंस कॉल्स में काम नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन हर एक जगह में हमें अप्लाई करने को कहता है। प्रेज गॉड। अब एक सिंपल, इवन स्कूल्स में, ऑनलाइन स्कूल्स में परमेश्वर का वचन अप्लाई होता है। प्रेज गॉड। आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन स्कूल में कई बार जब बच्चे ऑनलाइन स्कूल अटेंड करते हैं, माता पिता भी सारे चीज़ सुनते हैं, और टीचर क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, हम तुरंत टीचर को जज करने लगते हैं। एक चीज़ हमें करना है, डोंट जज अदर्स प्लीज़। आई रियली रिस्पेक्ट टीचर्स एंड द वे दे आर डूइंग दिस, यू नो, बिफोर वी इवन जज अदर्स वी हैव टू पुट आवर सेल्फ इन द प्लेस। प्रेज गॉड। और इवन बच्चे जो ऑनलाइन स्कूल में अटेंड कर रहे हैं, द बाइबल वर्सेस दैट यू आर reading or your learning, you should try to apply those things in your online schools. Praise God. What your teachers are telling you should obey, even in our own, you know, workplaces, right? We may be like, you know, attending a lot of meetings, right? We have to be faithful to our word. So all those things, jo bhi hum वचन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, and मैंने पहले भी बोला, what is the way out of all these hurdles? The word. And you cannot say that, you know, I am being trained in the word without you apply the word in the simple things of your life. Praise God. You have to apply it, and that is the training ground where you spend more time. Praise God. So when you do that, aap din prati din, 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 the reason I am saying all this time because it should be evident कि हमें ये छोटे छोटे चीजों में जब हम परमेश्वर के वचन को लगाने लगते हैं ना, जब बड़ा एक समस्या या फिर एक बड़ी एक चुनौती हमारे जीवन में आती है, वी आवर स्पिरिचुअल मसल्स इज सो फ्लेक्स दैट इट बिकम्स नेचुरल फॉर अस टू कम टू दैट करेक्ट स्पिरिचुअल पोजिशन वेयर वी विल बी एबल टू ओवरकम दैट हर्डल। आमेन। आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई जीसस टुक 30 इयर्स टू स्टार्ट हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। Amen. The first 30 years, did he sin? Bible says he was sinless. He was training himself in the word of God. हम 12 साल की उम्र में देखते हैं छोटा इश्यू, राइट? मंदिर में गया और वो बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ, जो पंडित लोग थे उनके साथ बात कर रहा है, एंड दे वर अमेज्ड। हालेलुया।
एंड वेन जीसस वॉज बींग ट्रेन इन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ हिज लाइफ मे बी इन 15 ईयर्स 20 ईयर्स 23 ईयर्स वेन ही वॉज डूइंग कार्पेंट्री वर्क राइट ही वॉज ऑल ट्रेनिंग हिमसेल्फ एंड देन एट द एज ऑफ 30 Oh, he went to River Jordan, he took baptism, and then God led him to wilderness. He fasted for 40 days, and then there was a temptation. And then we see that Jesus was able to win over the temptation. But does that mean, was it the first time that he said it is written? Or does that mean, was it the first time that Jesus was facing temptation? No, my dear friends, in the first 30 years of life, there was every day where Jesus faced temptation, and in every moment of his everyday life, he was actually training himself, but at the age of 30. Amen. What we read in the scripture portion, praise God, that is where he was able to win. I mean, jump over those things. And then he said, it is written, it is written, it is written. That should become our lifestyle. Praise God. Hallelujah. Praise God. And here we see that in every place, a position is. So we have to come in that spiritual position. And we have to come. And that is the only way where we can win over or clear all our hurdles. Praise God. Abhi main इस वचन में जाऊंगा एंड आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर आई मीन सो दैट वी विल नो हाउ वी कैन विन ओवर दिस हर्डल्स और ओवरकम दिस हर्डल्स आई वांटेड टू टेक टू द पैराबल स्टोरी ऑफ जीसस पैराबल ऑफ द सॉर ओके मत्ती 13 का 3 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे और ये जो पैराबल है पैराबल का मतलब है कि एक 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 ऐसी कहानी दैट गिव्स अस हेवनली मीनिंग It's got an earthly story with a heavenly meaning. Amen. तो जब ये earthly story है लेकिन इसका जो मर्म है इसका जो meaning है वो स्वर्गीय heavenly है Praise God. What God wants to convey. So यहां पर यीशु मसीह ने ये parable कहा मत्ती 13 के 3 में The first thing that he said, a farmer went out to sow his seed. Amen. अब ये seed क्या है Word of God है अब पहले मैंने कहा व्हाट इज द वे आउट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल एनी हर्डल दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड सो व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड इट इज अ सीड आमेन प्रेज गॉड इट इज अ सीड हालेलुया एंड सीड हैज पावर सीड जितना भी छोटा है लेकिन यदि सीड सही भूमि में जब जाता है उसमें से पेड़ उगता है फिर हम देखते हैं वो पेड़ फल लाता है सो हम सबको ये समझना है कि जब हम इस बीज को देखते हैं हमें उस बीज के अंदर उन सारे फलों को देखना है देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब राइट राइट वी हैव टू सी अ फॉरेस्ट इनसाइड द सीड हालेलुया तो एक छोटे से परमेश्वर के वचन में आमेन इवन इन द स्मॉलेस्ट वर्स ऑफ द बाइबल वी ऑल नो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट वर्स ऑफ द बाइबल जीसस वेप्ट दैट इज अ वेरी पावरफुल सीड आमेन The creator of the whole world weeping. Can we take that seed? Yes, we can. Praise God. Every word of God is a seed. Hallelujah. And when that seed goes in, it brings power. So, यहाँ पे एक किसान के बारे में कहा गया है that जो बीज को बोने गया ठीक है चौथे आयत में as he was scattering the seed. Praise God. Now, think this. किसान जाकर एक एक बीज को क्या करता है वो जाके नहीं डालता ही टेक्स ना उसके उसके हाथ में एक बैग रहता है बैग वो खेत में जब चल रहा है तो बैग रहता है बैग में बहुत सारे सीड है बैग के अंदर हाथ डालता है एंड देन ही टेक्स लॉट ऑफ सीड्स एंड देन ही स्कैटर्स द सीड राइट और जब वो उन वचनों को फेंकता है ठीक है सम फेल अलोंग द पाथ प्रेज गॉड ये जो पाथ है ये जो रास्ता है पैलेस्टीन में उस समय में हम देखते हैं कि जब दो खेत रहते हैं दो खेत को अलग करने के लिए फेंस नहीं होते थे लेकिन वहां पर एक पाथ होता था जो लोग वहां से चलते थे और कई बार फार्मर्स नो वहां से चलते थे और वहां से वो स्कैटर करते थे प्रेज गॉड तो जब वो पाथ में चलते हैं बार बार जब एक जगह से चलते हैं तो वो पाथ बिकम्स वेरी हार्ड राइट वो बहुत ही सख्त हो जाता था तो यहां पर जब वो पहली बार वो जब बीज को फेंक रहा है तो कुछ उस पाथ में गिरे या फिर उस रास्ते में गिरे और जैसे ही वो सीड रास्ते में गिरे क्योंकि वो हार्ड है तो वो सीड अंदर नहीं गया
तो चिड़ियों को वो बीज दिख गया और चिड़िए आकर जल्दी से आकर उस बीज को उठा लेते हैं, क्योंकि जो सीड कहाँ गिर रहा है वो फार्मर ध्यान नहीं देता, वो जस्ट स्कैटर करता है, कुछ बीज उस रास्ते में गिरते हैं, राइट। वो फार्मर वापस उस बीज को जल्दी उठाने नहीं जाता है, लेकिन वहां चिड़िए रहते हैं जो इस ताक में बैठे हैं कि हाँ हमें पता है कि ये अभी फेंकेगा, लेकिन कुछ बीज यहां पर इस रास्ते में गिरेंगे, क्योंकि वो रास्ता सख्त है, इसीलिए हम आराम से जाकर इस बीज को हम खा सकते हैं। प्रेज गॉड, ये पहला चीज। दूसरा, कहां गिरा? कुछ कुछ सीड्स रॉकी प्लेसेस में, पथरीले जगह पे गिरे जहां पे माटी कम थी, वेयर द सॉयल वॉज वेरी लेस, आमेन। और ये जो सीड है जल्दी से ना वहां से पौधे उगते हैं। प्रेज गॉड, जहां माटी कम है वहां जल्दी से पौधे उगते हैं। मैं बाद में वहां डिटेल्स में जाऊंगा। छठे आयत में वहां लिखा है कि लेकिन जब सूर्य आया, क्योंकि माटी कम था, ये सारे पौधे जल्दी ही मुरझा गए, क्योंकि वहां पे जड़ नहीं पकड़ा। माटी कम है, जड़ नहीं पकड़ेगा, पथरीला है, पत्थर के अंदर जड़ नहीं पकड़ता, माटी में ही जड़ पकड़ता है, और माटी कम था इसीलिए जब धूप आया तो वो पौधे मुरझा गए। आमेन। सातवें आयत में अदर सीड फेल अमंग थॉर्न्स, राइट। कुछ ऐसी जगह पे गिरे जहां पे उस खेत में वहां पे थॉर्न्स थे, आमेन, कांटे थे, काफी उस तरीके के ऐसे प्लांट्स थे जो जो हावी हो सकते थे। तो जब वहां पर वो सीड गिरा, वो बढ़ने लगे, लेकिन बाद में ये कांटे क्या किए, उनके ऊपर हावी हो गए और वो पौधे भी मुरझा गए। आठवें आयत में कुछ बीज ऐसे थे जो अच्छी जमीन में गिरे। अच्छी जमीन मतलब क्या है? जहां पे किसान ने काम किया था, जहां पे किसान ने हल चलाया था, जहां पे किसान ने फर्टिलाइजर्स डाला था, जहां पे किसान ने काफी दिनों तक मेहनत किया था। प्रेज गॉड। और जब वहां पर ये बीज गिरे तो वहां पे वो फल, वो पौधे उगे भी और फल लाए, और फल कैसे लाए? 100 टाइम्स। इट स्टार्ट्स विथ 100। आई मीन, आई ऑलवेज वंडर वाई इट डिड नॉट स्टार्ट विथ 30। इट स्टार्ट्स विथ 100। दैट मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग अस दैट गॉड वॉन्ट्स 100% रिजल्ट फ्रॉम योर लाइफ। आई मीन, दैट इज हाउ आवर वर्ड, आई मीन, गॉड सीज अस। परमेश्वर जब हमें देखता है वो पहले से हमें जज नहीं करता, हाँ ये ओके, ये तो 30% लाएगा, ये 60। ही स्टार्ट्स विथ 100। वेन गॉड इज सींग यू, राइट, इज गॉड इज सींग ओबेद, गॉड इज सींग अनुष्का, अलीशा, गॉड इज नॉट सेइंग ओके छोटा है 30%, नहीं, गॉड इज सेइंग फर्स्ट 100। इफ यू बिकम अ गुड सॉयल, 100 टाइम्स यू विल बी अ फ्रूट्स, एंड देन 60, 30। आमेन। सो इट्स इट डिपेंड्स ऑन इन हाउ गुड यू आर और हाउ प्रिपेयर्ड योर हार्ट इज टू रिसीव द वर्ड दैट यू विल बेयर दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स। प्रेज गॉड। और नवे आयत में आई वुड स्टॉप हियर। हूएवर हैज ईयर्स लेट देम हियर। यू नो देर इज अ स्पिरिचुअल ईयर्स, एंड समटाइम्स हमारे स्पिरिचुअल ईयर्स में भी काफी वैक्स भर जाते हैं, राइट। समटाइम्स हम उसमें ध्यान नहीं देते, राइट, समटाइम्स ध्यान नहीं देते, काफी वैक्स भर जाते हैं, तो काफी चीज हम सुनते हैं लेकिन अंदर नहीं जाता। वाई? देर सो मच ऑफ वैक्स, देर सो मच ऑफ ट्रबल। सो हू एवर हैज ईयर्स लेट देम हियर। एंड नॉट ओनली हियर, आई वुड इंकरेज यू दैट वी नीड टू ऑल्सो गिव मोर इंपॉर्टेंस टू आवर स्पिरिचुअल ईयर्स। आमेन। प्रेज गॉड। क्या मैं उन धीमी शब्दों को सुन रहा हूं? प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा का शब्द हमेशा धीमा रहता है। सो आवर स्पिरिचुअल ईयर शुड बी वेरी शार्प। हाउ टू मेक शार्प? प्रेज गॉड। वेन यू कीप ऑन हियरिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड एंड वेन यू कीप ऑन वॉकिंग इन दैट वर्ड, दैट ईयर विल ऑल्सो फील दैट यस, मेरा कुछ काम हो रहा है ना। कई समटाइम्स वी थिंक दैट दिस फिजिकल ईयर्स डज नॉट नो वॉट आवर वेज। कई बार ना जब ये फिजिकल ईयर्स हम कुछ सुनते हैं एंड वेन वी डोंट वॉक इन दैट, दिस फिजिकल ईयर्स विल से अरे इस क्यों मैं बेकार का सुन रहा हूं, ये तो ऐसे भी नहीं चलता, एंड दैट ईयर गेट्स डैमेज्ड समटाइम्स। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सेल्स इन आवर बॉडी इज वेरी मच अवेयर ऑफ द वे ऑफ आवर वॉक। आमेन। प्रेज गॉड। द सेल्स इन आवर बॉडी इज वेरी मच अवेयर द वे ऑफ आवर वॉक, लेट इट डाइजेस्ट इन। प्रेज गॉड। हूएवर हैज ईयर्स लेट देम हियर। नो, लेट मी गो इन टू द फर्स्ट ऑब्स्टिकल। दिस इज द ऑब्स्टिकल नंबर वन, राइट।
आपके आत्मिक इस दौड़ में ये ऑब्स्टिकल आपके जीवन में रहेगा, व्हेन द सीड इज सोन अलोंग द पाथ, राइट? आई अर्लियर सेड व्हाट इज द वे आउट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स और वे ओवर एनी ऑब्स्टिकल्स, द वर्ड, ओके? एंड दिस इज द ऑब्स्टिकल दैट वी नीड टू क्लियर टू बी मोर टीचेबल. द फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज द सीड, द वर्ड दैट वी हियर इज सोन अलोंग द पाथ. व्हाट डज दैट मीन? वर्ड इज नॉट अंडरस्टूड और इट इज स्नैच्ड बाय सेटन और वी आर हैविंग हार्ड हार्ट्स. प्रेज गॉड. सो दीज थ्री एरियाज वी नीड टू वर्क ऑन. When we hear the word, don't hear the word because of the physical ears. क्योंकि आप जो भी शब्द आप सुनेंगे ना, you will hear it. But are you listening to it? You don't understand by just hearing. You understand by listening. Amen. Right? Because right now when I am seated, I can hear the sound of my fan moving. I am only hearing it. I am not listening to it. I am not listening. Oh, sound! I mean, the fan. I mean, the sound that is coming from the fan. I'm not trying to listen. And okay, it is actually rotating in this much speed. No, I'm just hearing it. I'm not here to understand the motor. I mean, how the fan is working. But when I can listen to the sound of the fan and I can give my attention and I can understand it. But right now, I'm not doing. So when we are coming before the word, we have to understand. We have to listen. And why we listen? To understand. And why we should understand? Because of this problem. This is the obstacle. If we don't understand, that means it is actually falling on the path. And then who is this Satan? Satan are like those birds, right? No power. The bird is not here to attack. The bird is here to just, you know, is giving your attention. The moment it sees that your heart is hard and you are not listening, you are just hearing. The moment you hear, it comes and snatch away. Praise God. So, first thing, the pehla baat aapko karna hai, aapko dhyan dekkar sunna hai. Be teachable, right? You want to clear those teachability hurdles. Dhyan dekke parmeshwar ka vachan sunna hai. Praise God. Aur jab aap parmeshwar ka vachan sun rahe hain, aap usme se aap parmeshwar ke samne bole, parmeshwar ye vachan mere liye hai, I will listen. To understand so that the enemy does not snatch it. Praise God. And the enemy, when it snatches, you know, the bird will not go and, you know, just dug the soil and pick up the seed. It will only see, I mean, it will only come and snatch those seeds that it sees. So जब हमारे जीवन में हम ऐसे अवस्था में रहे, जब हम वचन सुन रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहा है, वो हमारा जो हृदय है काफी हार्ड हो गया है, सबसे पहले किसको पता चलता है? पता है? The enemy knows. Praise God. We may say, okay, I did not tell the enemy. No, you don't need to tell the enemy. Praise God. Hallelujah. He is just seeing this words that are, you know, falling on the hard heart and he comes and snatch. The moment it snatch, it is gone. Praise God. So, yahan pe Yeshu Masih ne 19th ayat mein isko disciples ko explain karke diya. You know, that is the beauty of Jesus. Jesus spoke in parable to the other people. But when it came to disciples, disciples came to him. Personally, he gave them the explanation. And that is what we can do when we are here to learn from the word. You know, when you hear this now, sometimes you may listen to it, you do not understand. Then you go to Jesus. You go to the Holy Spirit and say, I want to learn this. And the Holy Spirit will give you new revelation. And this is what Jesus revealed to his disciples who came to him. Praise God. And 19 में लिखा है कि when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes. Evil one does not come कोई और सिचुएशन में. When they hear the message and does not understand, इसी सिचुएशन में evil one आता है. And then evil one does not come to just stay there. He comes and snatches away. He comes to steal. Right? John 10:10. He comes to steal. It is not his possession. The word of God does not belong to the evil one. But he comes to steal that. He comes to snatch that. And it was sown in their heart. Right? तो ऐसा नहीं कि ये जो वचन है हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा. जब हम कान से कुछ भी सुनते हैं ना, कुछ भी सुनते हैं, हमको नहीं पता चलता वो प्रोसेस हो रहा है.
ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो जो भी हम शब्द सुन रहे हैं ना, इट समवेयर इट गिव्स गो डाउन टू अवर हार्ट. सो वेन एवर वी हियर द वर्ड इट गोज टू द हार्ट, बट वेन अवर हार्ट इज हार्ड, जब हमारा हृदय सख्त रहता है, इट डज नॉट गो इन, दैट इज वेन द इविल वन कम्स एंड स्नैचेस अवे, एंड दिस इज द सीड सोन अलोंग द पाथ. सो ये है पहला ऑब्स्टिकल, राइट. सो इस ऑब्स्टिकल्स को यदि हमें ओवरकम करना है, राइट, दिस इज वॉट पॉल सेड टू हिज सन, स्पिरिचुअल सन टिमोथी. क्या बोला दूसरा टिमोथी 2:7 में, रिफ्लेक्ट ऑन वॉट आई एम सेइंग फॉर द लॉर्ड विल गिव यू इनसाइट इन टू ऑल दिस. आप जो भी सुन रहे हैं ना, यू हैव टू रिफ्लेक्ट, राइट, यू हैव टू रिफ्लेक्ट, मतलब ये जो परमेश्वर का वचन है ये एक दर्पण है, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट वर्ड ऑफ गॉड. And that reflection will not happen on the moment you hear it. It may happen in the moment you meditate on it. Praise God. So, सबसे पहला obstacle जो ये हमको be teachable का जो teachable बनने के लिए हमें clear करना है, we have to come to a place saying, no, I will not allow my heart to be hardened, but I will reflect on what I heard from the word of God. Praise God. Or who will give me insight? यहां पे पॉल ने क्या बोला है, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, एंड व्हाट वाज पॉल सेइंग, द वर्ड ऑफ गॉड. ही डिड नॉट से दैट आई विल गिव यू इनसाइट, ही सेड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज द वर्ड ऑफ गॉड, एंड गॉड विल गिव यू इनसाइट इनटू ऑल दिस. इट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन, समझ रहे. द मोमेंट यू नो आई एम स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, से आई गेव यू द वर्ड, मैंने एक परमेश्वर का वचन आपको दिया, आपने सुना, मे बी यू लिसन, इट गो वेंट इन टू द हार्ट, right? And if your heart is not hard, it will go in. And how to make our heart soft? You have to reflect. When you allow the word of God to always reflect, you know, you reflect on it, the more you do it, the more your heart will become receptible to the word. Praise God. जब किसी जगह पे लोग ज्यादा ये नहीं करते हैं, वो hard हो जाता है. Praise God. आप कोई भी चीज लिख ले, यदि आप कुछ चीज को बहुत दिन तक राइट इस्तेमाल नहीं करें, राइट, द सिंपल एग्जाम्पल आई कैन टेल इज बिकॉज आई डू द डिशेस नाउ इन माई हाउस. वो जो विम बार रहता है, राइट, वो यदि आप बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सख्त हो जाता है ना, लेकिन जब ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें से आराम से ले सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट. सेम इज विद अवर हार्ट, राइट. सो द मोर द वर्ड ऑफ गॉड कम्स इन, राइट, you are more receptible, you are reflecting, so your heart is more soft, your heart is more receptible, and Lord is going to give you insight. Who is going to give you insight? Parmeshwar aapko insight dega. Abhi sight alag cheez hai, insight alag hai. I cannot make you understand, but you know, sight is what you see externally, insight is what you I mean, it's kind of a revelation what you see which is not actually physically seen. राइट कई बार परमेश्वर का वचन ऐसे रहता है, हम यदि बाहरी तौर से देखें तो हाँ ठीक है एक और वचन, बट देन आस्क फॉर गॉड, ही विल गिव यू इनसाइट, द मोमेंट व्हेन ही विल गिव इनसाइट, व्हेन यू रिफ्लेक्ट 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 एंड देन ही गिव्स यू इनसाइट. प्रेज गॉड. एंड दैट इज द मोमेंट, दैट इज द रीजन इट इज रिटन इनसाइट, इट डजंट जस्ट गिव यू साइट, इनसाइट. सो व्हेन डोंट अलाउ योर हार्ट्स टू गेट हार्डन्ड. प्रेज गॉड. So always be in the area where the word of God is spoken to you. इसीलिए fellowships में आना जरूरी है, right? It's not like a monthly fellowship or a yearly fellowship. आपको अपने इस heart को receiving ground बनाना है, right? That's why you have to reflect on it. Personal devotion. Reflect on it. And then God will give you insight on this. Praise God. Let us go to second obstacle. The seed sown on rocky ground. कुछ बीज कहाँ गिरे, पथरीले जगह पे गिरे जहाँ माटी कम था. तो इसका मतलब यह है, यीशु मसीह ने 20 और 21वें आयत में मत्ती 13 में वहां पढ़ाया, द सीड फॉलिंग ऑन रॉकी ग्राउंड रिफर्स टू समवन हु हियर्स द वर्ड, अगेन हियर्स, लिसन्स ने लिखा, हियर्स द वर्ड एंड एट वंस रिसीव्स इट विद जॉय. राइट, वेरी गुड स्टार्ट. द मोमेंट ही हियर्स द वर्ड ही रिसीव्स इट. राइट, हियरिंग अलग है, रिसीविंग है. व्हेन यू हियर You receive it. That means it went into the heart, right? लेकिन heart में अभी क्या है? It is shallow. जैसे वो पथरीले जगह पे माटी कम है, जल्दी अंदर गया and at once receives with joy. एक आनंद के साथ receive किया, right? We all can relate to it. Sometimes the word of God comes in, oh, we feel so happy at that moment,
राइट। बट 21वें आयत में क्या लिखा है 21 में, बट सिंस दे हैव नो रूट, राइट, जड़ नहीं है, राइट, अभी वो तैयार हो रहा है, एक प्रोसेस है। डोंट यू नो व्हेन यू आर हियरिंग दिस वर्ड, इट इज नॉट लाइक someone will directly jump into a good soil. It may be a process. When we first come, we may be hard heart, right? When we reflect on it, we may come to this stage where we are actually, yeah, okay, abhi jad nahi pakda hai, shallow hai, right? But then do we always remain in this position? No. We have to grow root. Because yahan pe root nahi pakda, wo jaldi ugta hai. Lekin jab trouble aata hai, jeevan mein kya aaya? Samasya aata hai, persecution aata hai. बिकॉज ऑफ द वर्ड, अभी समस्या क्यों आया, अभी यहां समझ, यहां क्या लिखा है, व्हेन ट्रबल और पर्सिक्यूशन कम्स बिकॉज ऑफ द वर्ड, ट्रबल और पर्सिक्यूशन केम बिकॉज ऑफ द वर्ड, राइट। सो यू नो दैट इज द थिंग, यू नो दिस इज अ रिंग दैट वी गेट, इट्स अ स्पेशल रिंग दैट वी गेट व्हेन वी कम टू जीसस, इट इज अ सफर रिंग। जैसे हम कोई मैरिजेस में क्या करते हैं, रिंग पहनते हैं ना, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। This is the special ring that you get when you marry with Jesus. You are the dulhan, right? Praise God. When you marry with Jesus, this is a special ring that you get. This is suffering. And the word of God, and Jesus is telling, when trouble or persecution comes because of the word, how can we not understand this? You know, when trouble is coming, is it coming only outside of someone? No, because of the word. When trouble comes, because you walk on the word. You know, when you run on the track, there is hurdles. Because the athlete participating in the event, because he registered himself for the event, that is the reason he is facing the trouble. The one who is sitting in the audience, who is clapping, who is waving the flag, he is not getting hurdles on the track because he never registered for the event. He did not train. He was not qualified. But this athlete, he was like from day one. You know, 2024 mein Olympics hai, he started to train from 2020, every day he trained. Amen. And that is the reason, because of his involvement, he is getting those obstacles. Because of the word that we receive, we get trouble and persecution. Right? And I think in the end days, we have to preach about this. You know, there are going to be suffering. You know, we should not be left saying, okay, abhi suddenly kuch aa gaya, what should we do? You know, I think that is a problem in the church today, where we are not training our people for those days where there will be suffering. Abhi to chal raha suffering, and there are going to be days. But then, what is our end goal? Jesus is coming back. Hallelujah. Praise God. He's going to take us to a place where there is no suffering. Hallelujah. But when I am in this earth, when I am in this physical body, because of the word that I am receiving, jo vachan mein le raha hun, because of the word, there will be trouble or persecution. लेकिन यदि मेरा हृदय शैलो है, पथरीला है, मैं जड़ नहीं पकड़ूंगा, वहां क्या लिखा है, जीसस ने क्या बोला है, दे क्विकली फॉल अवे, क्विकली फॉल अवे, तो ठीक है, दे क्विकली फॉल अवे, प्रेज गॉड। दिस इज द सेकेंड ऑब्स्टिकल, नो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई टू मूव फ्रॉम दिस स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज इज इमीडिएटली रिसीविंग इज गुड, राइट, but don't be in a stage of immediately rejecting it. Praise God. Hallelujah. खाना जो पकाते हैं उनको पता होगा, right? खाना पकने में time लेता है, right? यदि हम कोई chicken curry बना रहे हैं, right? If the chicken is not cooked properly, will the chicken curry taste? No. No one wants to eat the raw chicken, right? Don't reject it. You know, the moment you put, you know, something to cook, the very first moment, okay, maine abhi cooking start kiya, let me taste, ganda hai, let me throw it. No, this is not, same word should be applied. When I'm receiving it, you know, I don't see any change, let me reject it. This is shallow. This is the biggest obstacle that we should overcome. Hallelujah. Praise God. So I always, you know, sometimes we see so many people, like they come to Jesus and they're so happy. You know, I always so wish to tell them openly. But I'm so guilty that I never say, I don't often say that, but I'm praying to God that God will give me a heart to say that in love. That when you're coming to Jesus, you know, it is not only that blessings you will get. You know, because of the word, because when you're walking in the word, you know, troubles or persecution will come. What will you do? Are you just here to reject Jesus?
Are you here just to try Jesus once? No, it is a relationship. We don't, you know, just like marriage, we don't go and, you know, say, let me try marriage. Pehla din patni se kisi se shaadi kiya, dusra din nahi jam raha, chalo. And then I go and marry another. No, this is a lifelong relationship, my dear brothers and sisters. This month I'm going to complete 11 years of marriage. Praise God. And if you ask me, was it a bed of roses? No, my wife knows it. The first 2-3 years were so challenging. I just can't say that. Hallelujah. But then now, as you grow deeper in relationship, it's like the love flourishes. Am I saying that today there is no problem? No, there is. But then do we give up? No. Praise God. Hallelujah. You know, love becomes stronger when you travel or endure through, you know, troubles together. Praise God. You know, your love with Jesus will grow more stronger when you hold on to the hand of Jesus and walk and endure through it. Because of the word, there will be trouble or persecution. I will not quickly fall away. But this is my time that I will convert my shallow heart into deep heart. My roots should go into Jesus. Praise God. Hallelujah. Can we all take this decision today? Yes. Yes, it's not about immediate joy. It's not about all this thing. I'm here to grow more deeper in Jesus. Praise God. Let us quickly, I thought I will finish quickly, but I don't know why. Praise God. Let's see. Obstacle number 3. The seed sown among thorns. कांटों के बीच में कुछ बीज गिरे, राइट? 13-22 में यीशु मसीह ने क्या कहा है, देखते हैं। The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Word of God is powerful, yes, but it can be choked. Hallelujah. This is something that we should understand. Word of God is not powerful by itself. It depends on where the word of God is being received. If our heart is something that is full of the worries of this life and the deceitfulness of the riches, if we are running after the love of the money, if we are more concerned about the worries of the life, if the worries of the life is greater than Jesus in us, that worries and the deceitfulness will choke the word that is coming in, and this word is going to become unfruitful. Amen. It is the way we receive it. This is the obstacle number 3, my dear friends. When you're walking this, you know, we have to be teachable. Praise God. You have to keep the cares outside. The deceitfulness of riches should not touch you. Praise God. You know, that is the reason Jesus says, cast all your cares upon me. He gives that open invitation, the word of God. Who is Jesus? The word. Word gives us invitation that cast all your burdens upon me. But what we do, we cast all our worries, our burdens upon ourselves, and then the word of God comes in. And because the worries is inside our heart, it chokes the word. And if someone chokes me, will I be able to work? No. Apne gala aap khud pakad ke dekho, koi aapko choke kar raha hai, will you be able to function or speak? No. If the word of God has to speak into your life, you have to keep the worries outside and unto Jesus, and the deceitfulness of riches should not touch you. You know, word of God says the love of money is root of all kinds of evil. Do we want to become unfruitful or we want to become fruitful? Hallelujah. Praise God. Praise God. Let me quickly move forward. The finishing line. And this is what the athletes run for. Amen. Praise God. 10 वहाँ पे hurdles हैं. एक के ऊपर correct spiritual, physical muscles को flex करते हुए. एक hurdle पार करके वो हाथ नहीं उठाते. Right? उनका focus क्या है? Next hurdle. Then when the finishing line comes, they are like, yes, I cleared all my hurdles. For us, the spiritual race is on. Who is on the other side of the spiritual line? The finishing line. Jesus is waiting with arms open wide. You know, when he sees you overcoming the hurdles in your life, when he sees you that you take in the word, you know, when you become that good soil, when in 20 and 21, Jesus said that the seed falling on good soil refers to someone who hears the word,
understands it. Praise God. And this is the one who produces a crop. Hallelujah. ये अच्छा जमीन ही हमारे जीवन में एक उपज लाता है और यहां पर ही 100 times, 60 times, 30 times फल आते हैं. Praise God. Amen. This is the fruitfulness that Jesus desires. And this fruitfulness will only come with a relationship. You cannot be fruitful without a relationship. You have to relate to the word. You have to reflect on the word. Hallelujah. In the daily small things of your life. Praise God. And when you become that good soil, your journey towards Jesus. Hallelujah. Praise God. I just remember the finishing line when Jesus comes and you know he embraces you, says, "Well done, my faithful servant." Uraba shanta tatara. Hallelujah. I can tell you, everyone who hears the word, who understands it, who applies it, who walks on the word, who brings fruit, hallelujah, Jesus is going to embrace them. And I just remember those coach, the one who coaches the athlete, how happy he is. Oh, I trained my guy, I trained my boy, I trained my girl. What he did in my training, now he's replicating in this original race, real race of his life. The moment he clears the first hurdle, coach is like, come on. Second hurdle, coach is like, come on. And final hurdle, coach is like, come on. Oh, Rabba Shanta, ta 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 ta. The coach is clearly watching, and the finishing line, when he completes it, there is a sense of so joy in the face of the coach. Hallelujah. Remember, Jesus is the one who is watching for you. Not only Jesus, there is a cloud of witnesses all around you, applauding you. You know, we finished this race. Oh, come on, come on, come on, dear son, dear daughter. Oh, don't give up. Oh, you have fallen down. No, get up. Oh, no, just believe and run, 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 run. Hallelujah. This is the invitation that I want to give you, the Holy Spirit. If you have fallen, it is not too late. It's get up. Hallelujah. Praise God. And let's become that good soil. Hallelujah. Let's just not only hear, just let's listen it, understand it, walk on it. Praise God. It's a daily practice. I've said so many things I don't know, but I just pray that this word will come alive in each one of our lives, including me. Hallelujah. What I was yesterday. Don't compare yourself with others, but compare yourself with your mind that was yesterday. Now, are you renewed today? If you are renewed, could you take a decision? Praise God, let me stop here. Now, we'll finish in prayer. Praise God, let us just dedicate our heart, saying, oh God, purify our heart this morning. Oh, Rabba Shanta, ta 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 ta. Hallelujah, let us pray. Hallelujah. Father God, I thank you for this time. Hallelujah. Lord, I pray that this word will come alive. This word will bring life to people who have heard it, Lord. Hallelujah. Your word is a seed, and the farmer sows the seed. Oh, some fall on that hard path, and the bird came and snatched away. Some fall on the rocky ground. Oh, rabba. Oh, they started growing, but when the sun, scorching sun came down, it withered. Some seed fell on the thorny grounds, Lord. Oh, it grew up, but then the thorns choked it, Lord. Hallelujah. But some fell on the good soil, but then there was a good crop that came out of it, 60 times, 100 times, 60 times, 30 times, yielding fruit, Lord. We want to be that good soil, Lord. Father, help us, Lord. Holy Spirit, help us, Lord. Teach us, Lord. Help us to be more teachable so that we can overcome all these hurdles and we can go from that one stage to another, Lord. Give us that grace, the power of your gospel, your grace, Father. I bless everyone who is here, Lord. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name, we all agree and pray. Amen. Amen.